वेलकम, फिर मेरे साथ हो गया, फिर हो गया। अच्छा, वेलकम बैक टू द शो। इस उम्मीद के साथ के आपको एहसाम के साथ हमारी जो मॉर्निंग है बहुत अच्छी लगी होगी। अब चूंकि हमने स्पोर्ट्स की बात की, स्पोर्ट्समैन की बात की, तो हमने कहा कि आपकी हेल्थ के हवाले से, और खास तौर पे जो फिटनेस की तो बात करते रहते हैं, लेकिन फिजिकली बहुत से ऐसे मामलात हेल्थ के लिए चल रहे हैं, लोगों की डाइट को लेकर, खुराक को लेकर, जिसमें लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार है। इसमें यूरिक एसिड का बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला मेरे साथ भी रहा है पिछले दिनों। और बाकी हाँ, आप बता भी रहे थे, पीपल डोंट एक्सरसाइज, वी डोंट वर्क आउट समहाउ, इन दैट से हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को परस्यू नहीं करते। हालांकि कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का बढ़ जाना बहुत सारे मसाइल का सबब बन सकता है, और माहरीन के मुताबिक यूरिक एसिड का बढ़ जाना मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है, जिसके नतीजे में गुर्दों, दिल और फालिज के हमले के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। अब यूरिक एसिड बेसिकली अगर हम बात करें, तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बैलेंस डाइट खाएं, तो इसे कम किया जा सकता है। जबकि दूसरी जानब कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, तो बॉडी को हेल्दी और सेहतमंद रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसी तमाम सिचुएशन पे हम बात करेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के हवाले से इसके सिम्टम्स क्या हैं, डाइट क्या चाहिए, क्या हमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, पैटर्न्स क्या होने चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जोहा सुहेल, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो जोहा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है जोहा। हम जब कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की बात करते हैं, बेसिकली ये इश्यूज ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं और ये होते क्या हैं, ये आम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वांट यू टू से। और मतलब सबसे पहले यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है जो गुर्दों के खराब होने की वजह से हमारी बॉडी में भर जाता है। बेसिकली ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब गुर्दे खराब होते हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते और इसके लेवल्स बॉडी में भर जाते हैं। बहुत से लोगों को इसके जो लेवल्स भरते हैं वो जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, आपके जो जोड़े हैं यहाँ पर जोड़ों में एक्यूमुलेट होते हैं, इससे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये भरते हैं तो वहाँ सोजिश का मसला, दर्द की शिकायत, जिसको घेंटियाँ लोग कहते हैं, उसकी शिकायत भर जाती है। तो जब आप गुर्दे खराब काम करते हैं तो यूरिक एसिड उन लोगों में भर जाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इसके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुर्दे उससे मुतासिर होते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके प्रोटीन्स को थोड़ा सा लोगों के लिए बता दें, इसमें चिकन शामिल है, उसमें इस तरह से आ जाता है कि बिल्कुल जो प्रोटीन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा खाने की बात करी, मुतवाजन खाएंगे उसका नुकसान नहीं है। अच्छा, अब जिसको यूरिक एसिड अगर हो गया तो उसने अपनी डाइट में सबसे पहले रेड मीट का इस्तेमाल खत्म कर जीरो कर देना है। इसमें मटन है आपका, बीफ है आपका, इसके अलावा आपका चिकन भी आपने कम कंज्यूम करना है, मछली भी कम कंज्यूम करनी है। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम दालें कंज्यूम कर लें, हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें। अब ऑब्वियसली प्रोटीन हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है, अगर हम वो नहीं लेंगे तो बहुत से लोगों की जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो कमज़ोर होंगे। तो आप अंडा कंज्यूम कर सकते हैं। अंडा एक ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स इजीली एक दिन में एक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन दालों के इस्तेमाल से भी आपको परहेज, अंडा जर्दी के साथ कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जर्दी ना लें, सिर्फ उसके बाद में बताऊंगी कि जर्दी को क्यों लोग निकाल देते हैं और क्यों ये खानी चाहिए। ये जो आप यूरिक एसिड के इतने ज्यादा मसाइल आपने बताए हैं कि इसको निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता तो इससे दीगर मसाइल, इसके सिम्टम्स क्या है? आम आदमी को महसूस नहीं होता कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जब हम नॉर्मली टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि there is something wrong, या खुदा ना खास्ता दिल में पेन वेन होता है, तब पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सिम्टम्स क्या है इसके? Exactly, इसके सिम्टम्स ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि ये एक वेसल्स का मसला है, खून की शरियानों का मसला है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है आपको पता चल जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है, इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 माह बाद अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, बेहतर ये है कि जिसकी फैमिली में ये मसला है, बहुत से लोगों की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अगर आपकी फैमिली में तो आप 6 माह के अंदर जरूर टेस्ट करवाएं। अगर आपका वजन जो है वो नॉर्मल वेट से ज्यादा है तो आप जरूर कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट करवाएं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग वाले लोग जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, क्योंकि खून के शरियाने श्रिंक हो रही होती है। जितनी खून के शरियाने श्रिंक होंगी, उतनी जब आप बैड डाइट खाएंगे, मतवाजन गजा नहीं खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल अंदर जाके जम जाएगी। स्मोकिंग वाले पेशेंट अपने 6 माह के बाद इसका स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। तो स्क्रीनिंग के थ्रू आप इसको पता करवा सकते हैं, इसके ऐसे सिम्टम्स नहीं होते कि आपको अंदाजा हो। और बैलेंस डाइट की भी आप बात करें, मैं तो वजन गजा नहीं खाते, नॉर्मली हम सबके लाइफ पैटर्न्स बड़े डिफरेंट हैं, जंक फूड हम ज्यादा खाते हैं, बाहर से खाने खाते हैं। हमारी एक हेल्दी या बैलेंस डाइट बेसिकली है क्या? ठीक है, और मतलब बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है कि जिसके अंदर आपके जो 5 फूड ग्रुप्स हैं ना, उनका होना बहुत जरूरी है। अब मैं सबसे पहले शुरू कर लेती हूँ अजनास से, सीरियल से, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ज्यादा सीरियल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अब चावल रोटी हर कोई खाता है और हर किसी ने वो खानी ही खानी है। उसमें अब सबसे पहले ऐसा करेंगे जो चोकर वाला आटा है, जो आपका ब्राउन आटा है, जो ब्रांड जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल रखें। जो सफेद आटा है उसका इस्तेमाल ना करें। सिंपल एग्जाम्पल, आप लोग तंदूर से अगर रोटी ले रहे हैं तो अगर वो सफेद आटे की, तो वो मैदे वाला आटा है, वो आटा ठीक नहीं है। आप
आपको ब्रांड आटा लेना है जिसमें उसका छान डला हुआ हो। घरों में भी कोशिश ये करें कि जो छाना हुआ आटा ना हो, छना हुआ उसको साफ करके छान आप उसमें ऐड कर लें। इसके अलावा चावल, चावल में जो व्हाइट राइस है उसको अवॉइड करना है। लोग इसमें ये समझते हैं कि अगर हम तड़के वाले खा लेंगे तो वो ब्राउन हो जाएंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। ब्राउन राइस बिल्कुल एक अलग किस्म है, उसके ऊपर उसका छिलका लगा हुआ होता है, ब्राउन का ब्रांड यानी कि उसका ऊपर ऐड होता है, और वो एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है, वो व्हाइट राइस नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड, उसके बाद जब हम लोग आते हैं कि आपका सीरियल का ग्रुप जो खत्म हो गया, इसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती है। ठीक है। फलों में और सब्जियों में, सबसे पहले हम सब्जियों की बात कर लेते हैं, तो सब्जियों में कोशिश ये करें कि जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जिसमें साग है आपके पास, आपके पास पालक है, पत्ते वाली, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू फाइबर अंदर जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं तो वो पालक सब्जी का इस्तेमाल करें जो ग्रीन है, जिनके पत्ते हैं, ताकि वो उसके साथ फाइबर होकर बाहर आ जाए। फलों में जब आते हैं तो फलों में हर वो फल जो छिलके के साथ खाया जाता है, ओके, जिसमें आपके पास सेब है, आजकल मौसमी बहुत अवेलेबल है, इनका भी छिलके के साथ, मौसमी उसके जो व्हाइट छिलका, व्हाइट छिलका, ओके, ऑरेंज ऑब्वियसली, हां मैं भी उसके नहीं, वो नहीं खाना, जो व्हाइट फ्लेक्स है वो बहुत से लोग साफ करके खाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और उसको आप कंज्यूम करें। अच्छा, आप रिकमेंड करिए कि व्हाइट छिलका ना उतारिए जो अंदर। हाँ, नहीं, नॉर्मली लोग ये न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग साफ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब्जियों में पत्तों वाली और फलों में जो छिलके वाले फल है उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि सब्जियों में लोग समझते हैं कि दिन में चार सब्जियां खाएंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद है, लेकिन जो जमीन के नीचे ग्रो करती है आपने वो कंज्यूम नहीं करनी। स्पेसिफिकली मैं कोलेस्ट्रॉल वालों की बात कर रही हूँ, जैसे आलू है, तो बहुत स्ट्रिक्ट चार्ट है, वैसे बहुत स्ट्रिक्ट चार्ट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मसला जब एक दफा आता है तो वो लाइफस्टाइल खराब होने के बाद डाइट कितने टाइम के अंदर वी शुड फील। फॉर एग्जांपल मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, काफी ज्यादा है लेट्स सपोज, और मैं आपके बताए हुए डाइट प्लान पे अमल करता हूँ, तो कितने अरसे के बाद आई शुड फील कि ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और कितने अरसे के बाद मुझे दोबारा इमीडिएट स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ जाते हैं जब आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं। पूरी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मैं कहती भी नहीं एकदम से, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तब सिंपल जब डाइट को ही शुरू करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ डाइट के ऊपर, 3 मंथ्स के अंदर आपको गुड रिजल्ट नजर आते हैं, और उसके 3 मंथ्स बाद 6 मंथ्स के बाद आपको स्क्रीनिंग करवानी होती है, जिसका एक दफा भर जब वो साल में 2 दफा स्क्रीनिंग जरूर करवाए आपने, ताकि अगर कोई और एक स्क्रीनिंग से दूसरी स्क्रीनिंग के बीच में अगर कोई डिफरेंट मेडिसिन रिकमेंडेड है जो लोग हम लोग खा रहे होते हैं, जो आप डेली बेसिस पे आप लोग रिकमेंड करते हो, तो उसको दूसरी स्क्रीनिंग तक जारी रखना है या अपने तौर पे डाइट प्लान चेंज के साथ उसको रोक दे। अच्छा, मेडिसिन का क्या है, या वो हर बंदे के लिए डिफरेंट? मेडिसिन जो है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है, बल्कि डाइट भी हर एक के लिए डिफरेंट है, क्योंकि फिजिशियंस जो है वो यूजली मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, पर डाइटिशियन और फिजिशियन मिलकर सोचते हैं कि इस पेशेंट के लिए अब डाइट थेरेपी चेंज करनी है या मेडिकल थेरेपी चेंज करनी है, वो हर एक का पर्सनलाइज ज्यादा वेरी करता है, वेरी करता है। थैंक यू सो मच जोहा फॉर जॉइनिंग, इतने कम टाइम में इतनी सारी डिटेल्स बता दी, और आज हमने यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के हवाले से जिनको खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम है, किस तरह से आपने बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, ये हमने आपको सुबह सुबह टिप्स दी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक लेनी है, और आसान अल्फाज में ये कि जो लोग अक्सर बैठे बैठे आप कहते हैं ना बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट अटैक हो गया बैठे बैठे, बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, ये एक्चुअली आपके खून के अंदर मसाले चल रहे होते हैं। जब मुझे ये मसला थोड़ा हो रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ये ऐसे होता है, सो बी वेरी केयरफुल, अपनी स्क्रीनिंग करवाइए, स्मोकिंग करते हैं तो लाजमी करवाइए, और हेल्दी डाइट यूजुअली भी लीजिए, और वर्कआउट थोड़ा बहुत हो जाए तो क्या ही बात है, ये मैं खुद को भी कह रहा हूँ। ये आप ये खुद को बोल रहे हैं, अब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए।